नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू होलैंड 3037 TX सुपर ट्रैक्टर के बारे में। ये 41 HP श्रेणी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। उसके अलावा मध्यवर्गीय जो किसान हैं उनके लिए न्यू होलैंड कंपनी ने एक अच्छा विकल्प जो है लॉन्च किया है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उस ट्रैक्टर की जो कीमत है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। डीलर साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे हम आपको बताएंगे इस ट्रैक्टर की कीमत क्या रहेगी और मध्यवर्गीय किसानों के लिए क्या क्या कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किए हैं। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू होलैंड कंपनी के जो TX सीरीज यानी 56 सीरीज के अंदर जो सीरीज आती थी उसी के बेस के ऊपर जो डिज़ाइन है कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया है। कोई भी मुख्य बदलाव इसमें डिज़ाइन को लेकर नहीं है, वही सिंपल डिज़ाइन इसका आपको देखने को मिलेगा। सामने से आप देख सकते हैं दोनों ही साइड माउंटेड हेडलाइट इसमें आपको देखने को मिलेगी जो कि हलोजन बल्ब के साथ में दी हुई है। उसके अलावा ट्रैक्टर आगे से उठे ना उसके लिए यहाँ पे 90 किलो का बम्पर कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है जो कि ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी को काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। उसके अलावा इसमें आपको एक्सेल के स्पोर्ट के लिए आगे वेट और भी देखने को मिल जाता है। जब आप देख सकते हैं इसका जो चूल्हा है काफ़ी हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है। नीचे से अगर आप देखोगे तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, बैलेंसिंग रोड के साथ में काफ़ी अच्छा बैलेंस इसका बनाए रखती है। उसके अलावा इसमें आप आगे की तरफ इसमें जो पावर स्टीयरिंग का अलग से गार्ड भी यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है जो कि आगे से किसी प्रकार का टकराव जो पावर स्टीयरिंग को ना हो, किसी प्रकार के टूटने फूटने का खतरा इसमें ना आए। उसके बाद इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल प्रोवाइड करवाया गया है, किसी प्रकार की एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं दी हुई है। उसके अलावा ट्रैक्टर के स्टीकर वगैरह की बात करें तो इसका डिज़ाइन आपको सिंपली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, न्यू होलैंड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, 3037 TX सुपर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और जो सुपर की जो ब्रांडिंग है क्रोम फिनिश के डिज़ाइन के साथ में दी हुई है और 41 HP की जो फुल पावर है उसकी यहाँ पे ब्रांडिंग आपको कंपनी ने एक स्टीकर के साथ में दर्शाया है कि 41 HP की फुल पावर के साथ में ट्रैक्टर आता है। उसके अलावा न्यू होलैंड कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर जो एयर क्लीनर है वो स्टैंडर्ड ही जो ट्रैक्टर के अंदर आता है वही प्रोवाइड करवाया है, यानी ऑयल बाथ टाइप का ही जो एयर क्लीनर आपको देखने को मिल जाता है जो कि प्री क्लीनर के साथ में आता है। सामने की तरफ इसको खोल के आसानी से आप क्लीन कर पाएंगे और आगे की तरफ इसमें जो न्यू होलैंड कंपनी का जो लोगो है काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे दिखने में लगता है। साइड प्रोफाइल से ट्रैक्टर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन यहाँ पे कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है और जो सिंपलिसिटी जो डिज़ाइन है ट्रैक्टर का काफ़ी यूनिक इसको बना देता है, यानी बिल्कुल सिंपल जो डिज़ाइन है ट्रैक्टर का काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक भी होता है और जो सिंपलिसिटी होती है ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी सुंदर दिखने में लगता है। उसके बाद इसके बोनट की अगर हम बात करें तो बोनट को खोलने के लिए इसमें आपको नोब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि क्रोम फिनिश के साथ में दी हुई है, मैकेनिकली इसको आप ओपन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको एयर क्लीनर इसका क्लीन करना है या फिर इंजन के अंदर कोई मेंटेनेंस का कार्य करना है तो मैकेनिकली इसको आप खोल पाएंगे कुछ इस प्रकार से। मैकेनिकल रोड इसमें आपको साइड में जो देखने को मिल जाती है उसको आप लॉक करके कुछ इस प्रकार से जो बोनट है उसको खोल पाएंगे। टू पीस के साथ में इसका जो बोनेट है खुलता है आपको देखने को मिलेगा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो बैटरी का स्थान है वो आगे ही रखा हुआ है जिसमें वेट का भी एक कार्य करता है। उसके अलावा जो रेडिएटर है वो एल्युमिनियम की जाली के साथ में दिया हुआ है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम की हम बात करें तो इसमें कंपनी जो है वाटर कूल्ड इंजन इसमें प्रोवाइड करवाती है जो कि कूलेंट का भी आप एडिशनल फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कूलेंट की रिकवरी बोतल है वो आपको साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल स्टीयरिंग सिस्टम यानी जो सेपरेट कंटेनर है पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई के लिए यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। सेपरेट ऑयल की सप्लाई से जो फ़ायदा होता है वो ये रहेगा जो पावर स्टीयरिंग के अंदर जो ऑयल की सप्लाई सेपरेटली करी जाती है यानी कि अलग तरीके से करी जाती है उसमें ऑयल के अंदर जो चिकनाहट है वो बनी रहेगी और पावर स्टीयरिंग के अंदर किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद ऑयल की सप्लाई के लिए इसमें आपको हाइड्रोलिक की ऑयल की सप्लाई के लिए प्लस इसमें जो पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई के लिए यहाँ पे टैंडम पंप का कंपनी ने इस्तेमाल किया है जो कि एक एडिशनल फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है आप नीचे की तरफ ऐसे देख सकते हैं काफ़ी लंबे साइज में आपको देखने को मिलेगा और जो टूल बॉक्स है वो यहाँ पर फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया हुआ है जो कि काफ़ी एक बड़े साइज में आपको नॉर्मल साइज में आपको देखने को मिल जाता है। लॉक सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो डीजल टैंक है वो यहाँ पे फाइबर टेक्नोलॉजी का देखने को मिल जाता है। फाइबर के होने से फ़ायदा ये होगा जो जंग लगने की जो समस्या है डीजल के अंदर वो नहीं आएगी, रस्टिंग की जो समस्या इसमें नहीं आएगी। फाइबर टेक्नोलॉजी होने से काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा किसानों को मिलता है। उसके बाद
इंजन की जो असेंबली है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन ट्रैक्टर के अंदर कर रखी है। और जो इंजन है सिम्पसन कंपनी का S325 सीरीज का इंजन कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। दूसरी तरफ से इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिम्पसन कंपनी का S325 सीरीज का कंपनी ने इसमें इंजन जो इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि माइक्रोबोश कंपनी के इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आता है, 3 सिलेंडर के साथ में वर्क करता है, यानी 3 सिलेंडर की पावर ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। टॉर्क की बात करें तो 155 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 41 HP की फुल पावर ये ट्रैक्टर का इंजन आपको प्रोड्यूस करता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसमें आप नीचे की तरफ देख सकते हैं डीजल की सफाई के लिए डुअल स्पिन फिल्टर इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डीजल की सफाई करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दो फिल्टर यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। उसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेडिएटर फैन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए अलग से साइड में आपको जाली आपको देखने को मिलती है, जो कि एयर सर्कुलेशन का भी अच्छा कार्य करती है। आगे की तरफ बढ़े तो इसका जो प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फुली फ्लैट तो नहीं है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पे बम्प देखने को मिल जाता है, लेकिन इस पर कोई भी कवर किसी प्रकार का नहीं दिया हुआ है। सिंपली इसमें आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल फुटस्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लच की बात करें तो इसमें इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी ने जो है डबल क्लच प्रोवाइड करवाई है, यानी जो PTO अगर आपको चलानी है तो उसके लिए सेपरेट यहाँ पे स्वतंत्र क्लच PTO का अलग से लीवर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर गियर चेंज करना है तो उसके लिए अलग से सेपरेट क्लच इसमें आपको देखने को मिल जाती है। जो क्लच है वो काफ़ी सॉफ्टटेक क्लच दी हुई है, सॉफ्टटेक टेक्नोलॉजी के साथ में देखने को मिल जाती है। और आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे क्लच के लिए एडिशनल फीचर कंपनी ने ऐड किया है, जो कि न्यू होलैंड के हर एक ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। क्लच सेफ्टी लॉक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। क्लच सेफ्टी लॉक का फ़ायदा क्या होता है, यानी लंबे समय तक अगर आपका ट्रैक्टर खड़ा रहता है तो क्लच यहाँ पे चिपकने का जो शिकायत है बनी रहती है, उसको दूर करने के लिए इसको पैडल को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लच को आसानी से लॉक जो है कर पाएंगे। इसमें अंदर की तरफ क्लच जो है चिपकेगी नहीं और लंबे समय तक किसी प्रकार की समस्या जो है क्लच के अंदर नहीं आएगी। उसके बाद सीट की बात कर लेते हैं तो सीट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और खुली सीट यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, जो कि डीलक्स सीट के साथ में ट्रैक्टर आता है। कुशन इसका काफ़ी सॉफ्ट दिया हुआ है, जो कि लंबे समय तक अगर आप कार्य करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या इसमें आपको नहीं आएगी। उसके अलावा फुली मेटल सील एक्सेल इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, धान की खेती में भी इस ट्रैक्टर को आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी प्रकार की जो लीकेज है इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। और जो सीट है फुली एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे डिज़ाइन करी हुई है, सारे जो लीवर हैं मेरे हाथ के आसपास ही आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम सीट से इसके गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स है इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का फुली कॉन्स्टेंट मैच ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। भागते हुए ट्रैक्टर में भी आसानी से आप जो गियर बदल पाएंगे, किसी प्रकार की उलझन उसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा जो गियरबॉक्स के जो लीवर है काफ़ी बड़े साइज में यहाँ पे कर दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे न्यू होलैंड कंपनी ने करी है। साइड से आप देख सकते हैं जो गियर की स्पीड है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पे चेक करके पहले गियर में चलाना है दूसरे गियर में चलाना है, इस लीवर की सेट करके आप चला पाएंगे। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर Aptra 7 PTO 41 HP के ट्रैक्टर के अंदर न्यू होलैंड कंपनी सबसे पहले लेके आई है। तो Aptra 7 PTO यहाँ पे आपको जो स्टिकर है ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। IPTO क्लच यानी स्वतंत्र क्लच PTO का एडिशनल फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टटेक क्लच देखने को मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। Aptra 7 PTO कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो गियर की स्पीड होती है 4 वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा रिवर्स PTO भी इसमें आप चला पाएंगे। आगे की तरफ बढ़े तो 540 इकोनॉमी 540 स्टैंडर्ड की जो स्पीड है आप आसानी से चला सकते हैं। 540 जो इकोनॉमी की स्पीड है वो आप अगर अल्टरनेटर चलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एडिशनल किसी छोटे मोटे PTO के उपकरण के साथ में चलाएंगे तो आपको काफ़ी जो है डीजल की वजह से ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है न्यू होलैंड के हर एक ट्रैक्टर में आपको स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में देखने को मिल जाता है, यानी जो डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। मीटर कंसोल कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। जो 540 इकोनॉमी की स्पीड आपको यहाँ पे 1600 RPM पे देखने को मिल जाती है और जो 540 स्टैंडर्ड के जो RPM आपको यहाँ पे 2000 RPM पे देखने को मिल जाते हैं। टोटल अगर इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2000 के इंजन रेटेड RPM की 41 HP की फुल पावर है आपको देखने को मिल जाती है।
मीटर कंसोल इसमें आपको एनालॉग तरीके से देखने को मिलेगा। छोटी सी स्क्रीन इसमें आपको डिजिटल यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप ट्रैक्टर की घंटे यहाँ पे चेक आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा लाइट से जुड़े कंट्रोल कुछ इस प्रकार के दिए हुए, हॉर्न का बटन इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं PCDC जो लीवर है कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके अलावा न्यू होलैंड के हर एक ट्रैक्टर के अंदर आपको लिफ्टोमैटिक बटन देखने को मिल जाता है। लिफ्टोमैटिक बटन का जो फ़ायदा होता है, आपको बार बार जो है PCDC लीवर को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार सेट करके आप जो है इंप्लीमेंट को आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। यानी जो हाइड्रोलिक की लिंकें हैं इस प्रकार से एक बार सेट करने के बाद इस बटन की सहायता से ऑपरेट आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे न्यू होलैंड कंपनी ने दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फुली आर्म फ्री ड्रॉप कॉन्स्टेंट मैस ट्रांसमिशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है। HP हाइड्रोलिक यानी हाई प्रिसीशियस हाइड्रोलिक जो है कंपनी ने प्रोवाइड करवाई हुई है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे उत्तम हाइड्रोलिक जो है मानी जाती है। उसके अलावा दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि एक एडिशनल फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। और जो हाइड्रोलिक है वो 360 डिग्री तरीके से आप कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। उसके लीवर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके रियर एक्सल की हम बात करें तो इसमें एपिसाइक्लिक रिडक्शन सिस्टम कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, यानी प्लानेटरी गियर रिडक्शन सिस्टम के साथ में ट्रैक्टर आता है। चाहे आप इंप्लीमेंट के साथ में इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ट्रॉली के साथ में भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो खिंचाई है ट्रैक्टर की काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो टूट फूट है किसी प्रकार की नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्लानेटरी रिडक्शन सिस्टम होता है उसकी जो हैवी लोड पड़ता है वो प्लानेटरी गिरारियों के ऊपर जो है पड़ता है, उसमें किसी प्रकार की जो टूटने फूटने की जो शिकायत इसमें नहीं देखने को मिलती है। हाइड्रोलिक जो है 41 HP श्रेणी के अंदर इसमें जो हाइड्रोलिक कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, जो 1800 किलो की कैपेसिटी के साथ में इसकी जो हाइड्रोलिक है आपको देखने को मिल जाती है, जो कि फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में दी हुई है। टोपलिन केस में आपको 3 सेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इसकी जो हाइड्रोलिक है यहाँ पे मीटा कंपनी की प्रोवाइड यहाँ पे कंपनी ने करवाई गई है, जो कि HP हाइड्रोलिक है, हाई प्रिसीशन यानी उच्चम तकनीकी की जो हाइड्रोलिक है कंपनी ने प्रोवाइड इसमें करवाई हुई है। उसके अलावा जो हाइड्रोलिक है इसमें आपको बाल सिस्टम की देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ PTO शाफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 6 स्प्लाइन वाली PTO शाफ्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि फुली कवर यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। हाइड्रोलिक की लिंक आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में दी हुई है। और जो स्टेबलाइजर है इसमें चेक चेन सिस्टम वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे चेक चेन की देखने को मिलेगी, जो कि अपनी जुट के हिसाब से आप सेट करके चला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल TT पाइप यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, जो कि टिप एंड ट्रेलर पाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ बढ़े तो रोड की सेफ्टी के लिए इसमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, वोटर होल्डर भी यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। और न्यू होलैंड के हर एक ट्रैक्टर के अंदर आपको 6 ईयर वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि 6000 घंटे की वारंटी कंपनी जो है प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा टी वारंटी का जो मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफरेबल वारंटी, यानी अगर ट्रैक्टर आप 3 साल के बाद किसी अपने भाई को भी बेच रहे हैं तो वो वारंटी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये कंपनी का कहना है, जो किसान भाइयों के लिए जो ऑफर है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा दोस्तों इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसमें जो रियर टायर आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके टायर साइज़ की बात करें तो जो रियर टायर इसमें 13/6/28 का देखने को मिल जाता है, जो कि फुली वेट के साथ में दिया हुआ है। 32 किलो की वेट इसमें कंपनी प्रोवाइड करवाती है दोनों ही साइड, इससे स्लिपेज का जो इशू इसमें नहीं रहता है। उसके बाद जो फ्रंट टायर है आप देख सकते हैं, सर जो फ्रंट टायर है 6/50/16 के साइज़ में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 41 HP श्रेणी के हिसाब से काफ़ी बड़ा साइज़ में कंपनी ने प्रोवाइड करवाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसके इंजन के साउंड की और टर्निंग रेडियस की बात करें तो उससे पहले इसकी जो SFC है वो आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 41 HP श्रेणी के हिसाब से इस ट्रैक्टर की जो SFC है 1 HP बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर 198 ग्राम डीजल लेता है, और जो PTO HP है वो 37 HP की फुल पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसके बाद दोस्तों इसके टर्निंग रेडियस की और साउंड की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस सेक्टर की जो कीमत है उसके बारे में अगर बात करें तो डीलर साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे तो वो आपको बताएंगे इस सेक्टर की कीमत क्या रहेगी और कहाँ पर इस सेक्टर को आप उस कीमत के ऊपर खरीद पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक बार अपनी डीलरशिप का एड्रेस बताएं और सेक्टर की जो कीमत है किसान भाइयों को बताएं। पहले ट्रैक्टर जंक्शन का मैं धन्यवाद करता हूं चैनल का। उसके बाद अपनी डीलरशिप भिवानी में है फलारा ऑटोमोबाइल के नाम से, तो लोहारू रोड पर अपनी डीलरशिप है। 9816306019 अपना मोबाइल नंबर है। अगर कीमत की बात करें तो ट्रैक्टर की कीमत क्या रहेगी? 6,60,000 रुपये ऑन रोड ट्रैक्टर की कीमत रहेगी इसकी।
ठीक है, अगर कोई वीडियो देख के अगर किसान भाई आपके पास में आता है या फिर संपर्क करने के बाद आता है तो उसको क्या ऑफर रहेगा, आने के बाद ही ऑफर मिलेगा या फिर कैसे किस प्रकार से रहेगा? थोड़ा कस्टमर के आने के बाद, किसान भाई के आने के बाद हम स्पेशल ऑफर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। उसके बाद किसान भाइयों, जैसा कि डीलर साहब हमारे साथ में जुड़े थे, तो जैसा कि किसान भाइयों डीलर साहब ने हमें बताया सैकड़ी जो कीमत है वो 6,60,000 के ऑन रोड प्राइस आप इसको खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो कीमत रहती है वो डीलर टू डीलर वेरी करती है और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्सेस का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि डीलर साहब हमारे साथ में जुड़े थे, इस तरह की जो कीमत आपको बताई है, उसके अलावा डीलर साहब अगर आप इनके पास आते हैं ट्रैक्टर एजेंसी की वीडियो देखने के बाद तो स्पेशल ऑफर आपको दिया जाएगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, बुकिंग भी जो ऑनलाइन इसमें करवा सकते हैं फ़ोन के थ्रू। उसके अलावा दोस्तों 41 एचपी श्रेणी के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी ऐसे बेहतरीन फीचर जैसा कि मैंने आपको बताया वो मिलने वाले हैं, जो कि 41 एचपी श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर भरा ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हरियाणा के अलावा अपने ज़िले के हिसाब से या फिर अपने स्टेट के हिसाब से प्राइस जानना यानी कीमत जानकारी प्राप्त करनी है तो ट्रैक्टर जंक्शन की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा tractorjunction.com वेबसाइट पर भी आप जो आसानी से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।